ये जो बदला हमारा वक्त आ रहा है ये बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इलेक्शन अब होने हैं, सारी चीज़ें इलेक्शन की तरफ जा रही हैं, और जिस तरह जब इलेक्शन हो गया उसका अपना मोमेंटम, जब एक कौम किसी के साथ खड़ी हो जाती है ना, एक दफा ये याद रखें, वो अंग्रेजी में एक मुहावरा है कि नो आर्मी और फोर्स कैन डिस्ट्रॉय एन आइडिया उस टाइम का। इस वक्त ये जो इंसाफ का हमारा आइडिया और आज़ादी का, हकीकी आज़ादी का, ये दोनों तक पहुँचो, इसलिए ये बड़ा ज़रूरी है कि आप वकला में सबसे बात करो, क्योंकि आपने आगे रहना है सब, क्योंकि है इंसाफ रूल ऑफ लॉ की जान, रूल ऑफ लॉ को डिफेंड करते हैं वकला, और ये लड़ी जाएगी बार्स के अंदर भी और अदालतों के अंदर भी। और माशाल्लाह हमारे मैं आज खास तौर पे आईएलएफ के, जिस तरह हमारे आईएलएफ के लोगों ने मुकाबला किया मुश्किल तरीन वक्त, आईएलएफ के लिए लोगों को निकाला, जिन लोगों को इन्होंने पकड़ा और जिन्होंने जेलों में डाला और हमारे कारकुनों को, तो आईएलएफ को तो मैं खास आज खराज तहसीन पेश करता हूँ। लेकिन ये जो अगला आपके 3-4 हफ्ते हैं ये बहुत इम्पोर्टेंट है इलेक्शन से पहले, तो इसमें आपको सबको अलर्ट रहना चाहिए। अदालतों के अंदर भरपूर तरीके से आसन तुम सारों ने तुम पहुँचे होते हो, सबने शिरकत करनी है, ये जो अब कल से शुरू होगी हमारी गेम, और फिर 12 को बहुत इम्पोर्टेंट दिन है, 12 को एक आपको पता है कि एक बड़ी तेज़ी से ट्रायल चलाई जा रही है जिसमें फिर ट्रायल नहीं मिल रही है, तो खाना में उसमें सारों ने शिरकत कर दी है, बड़ा इम्पोर्टेंट है। और मैं मेरे में कोई शक नहीं कि इंशाल्लाह जीत हमारी होगी।